आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम अपने आसपास कई प्रकार के चेंजेस देखते हैं, जिनमें से कुछ फिजिकल चेंज और कुछ केमिकल चेंज कहे जाते हैं। फिजिकल चेंज के एग्जांपल से भी हम लें तो सनराइज, सनसेट, फिर वाटर का स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन, पानी ठंडा करने पर बर्फ में तब्दील हो जाता है, गर्म करने पर यह वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, फर्दर गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करने पर यह गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन जो है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। आप लकड़ी जलते हुए देखते हैं या कोयला जलते हुए देखते हैं, कोयला या लकड़ी जलता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। लकड़ी या कोयला में कार्बन या कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं। कंबशन के प्रोसेस में कार्बन या फिर उसके कंपाउंड्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में न्यू सबस्टांसेस फॉर्म हो रहे हैं। न्यू सबस्टांसेस के प्रॉपर्टीज जो हैं, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टांस के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच अ सबस्टांस एक्ट्स इटसेल्फ और विद अदर सबस्टांसेस टू फॉर्म न्यू सबस्टांसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई सबस्टांस खुद या फिर दूसरे सबस्टांस के साथ पार्टिसिपेट करता है, एक्ट करता है और नए सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है। नया सबस्टांस से आपका क्या मतलब? नया सबस्टांस का मतलब उसका प्रॉपर्टी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टांस के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है, येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का ये मेटल होता है। जब इसे जलाते हैं तो व्हाइट कलर का एक पाउडर बनता है। जलने के क्रम में यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। एग्जांपल ये मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का जो पाउडर प्रोड्यूस होता है उसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टांसेस कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम और एयर से ऑक्सीजन। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टांस हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रिएक्शन के बाद कौन सा सबस्टांस बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्टांस को रिएक्टेंट कहते हैं और रिएक्शन के बाद बनने वाले सबस्टांस को प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये चेंजेस दिख सकते हैं। चेंजेस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन स्टेट, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है,
और वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये जो है चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हो गया, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज होता हो, उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज हो सकता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस होता है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो धुआं निकलता है जो भूरे रंग का होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण होता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर भूरा होता है, ब्राउन होता है। तो चेंज इन कलर का भी एग्जांपल आपको दिख गया। चेंज इन टेम्परेचर, जब क्विक लाइम जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो पानी में डालने के साथ ही यह खौलने लगता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ में हीट इवॉल्व करता है। तो यहां पर आपको टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिख रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी एसिड में यदि एक्टिव मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यदि जिंक डाल दिया जाए, जिंक के कुछ दाने डाल दिए जाए, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें गैस इवॉल्व होता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यदि कोई केमिकल रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होता, कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि एक्वस मीडियम में होता और रिएक्शन के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता हो जो वाटर इनसॉल्युबल हो, तो वैसे प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, यदि कोई केमिकल रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो, एक्वस मीडियम में हो और रिएक्शन के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता हो जो वाटर इनसॉल्युबल हो, तो वैसे प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट कहा जाता है और इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को यदि मिक्स किया जाए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को यदि मिक्स किया जाए तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बेरियम सल्फेट यहाँ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है और सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में मिलता है। तो ये रिएक्शन जो था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता। तो इन सारे चेंजेस से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको फिर से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक में भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए वो केमिकल फॉर्मूले, मोलिकुलर फॉर्मूले, एटॉमिक सिंबल और कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज करता है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन इन शॉर्टर फॉर्म यूजिंग फॉर्मूले एंड सिंबल्स। अब हमारे सामने सवाल यह है कि एक केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानना होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक एरो लाइन से सेपरेट किया जाता है। एरो लाइन हमेशा प्रोडक्ट की ओर इंडिकेट करता है। रिएक्टेंट को एरो लाइन के लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को एरो लाइन के राइट साइड में लिखते हैं। यदि
रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उनके बीच प्लस का साइन दिया जाता है। इसी तरह से यदि रिएक्शन के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हो तो उनके बीच एक प्लस साइन यूज किया जाता है। अब हम इस रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। आपने देखा इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एरो लाइन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करेगा, प्रोडक्ट की ओर एरो लाइन इंडिकेट करेगा, प्रोडक्ट को राइट साइड लिखना है और रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखना है। रिएक्टेंट है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो यहां एंड नहीं लिखना है। यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उनके बीच प्लस साइन देना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर उसके बाद एक एरो लाइन जिसे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन फॉर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्शन फॉर। एरो लाइन के राइट साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह से जो इक्वेशन आपको मिला इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इसमें हमने सबस्टांसेस का नाम लिखा है, ओके, इनके फॉर्मूला का यूज नहीं किया, तो इस इक्वेशन को कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। अब मैग्नीशियम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए किसी भी मेटल को केमिकल इक्वेशन में किसी भी मेटल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके एटॉमिक सिंबल का यूज करते हैं, तो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एटॉमिक सिंबल Mg का यूज किया जाएगा। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल के लिए उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के लिए केमिकल फॉर्मूले का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है MgO। तो इस तरह से आपको एक केमिकल इक्वेशन मिल गया। इस तरह जो केमिकल इक्वेशन आपको मिलता है इसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में वर्ड के बजाय हम केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एटॉमिक सिंबल का यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से जो इक्वेशन मिलेगा उसे हम कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड भी हो सकता है अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है सो मैं आपको समझाता हूं। देखिए यदि किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हर एक एलिमेंट के एटम्स इक्वल नंबर में हो तो उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा, और यदि इक्वल नंबर में ना हो हर एक एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर में ना हो तो उस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। मैं अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोनों का जो है एक एक एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज कॉम्बाइन टू फॉर्म वाटर। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? दो। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? दो। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? दो। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? एक। तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के दो एटम्स है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के दो एटम्स है, दोनों साइड हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस्ड है। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के दो एटम्स है और प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक एटम है, तो
ऑक्सीजन एटम जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो इस तरह के केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। अब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मैं एग्जांपल लेता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टेंट साइड कैल्शियम के कितने सारे एटम्स हैं? एक। प्रोडक्ट साइड कैल्शियम के एक एटम। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, एक यहां और एक यहां। प्रोडक्ट साइड में दो। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब मैं आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा। यहाँ बोर्ड पर मैंने तीन एग्जांपल लिया हुआ केमिकल रिएक्शंस का, इनके लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है लाइम स्टोन व्हेन हीटेड डिकम्पोजेस इनटू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम स्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, मतलब लाइम स्टोन का केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट है और क्विक लाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ रिएक्टेंट कौन है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन को गर्म किया जा रहा और बनता क्या है? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्टेंट है सिर्फ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन फॉर कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CaO। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2। ये वर्ड इक्वेशन है और ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस कंबाइन टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो यहां रिएक्टेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन फॉर क्या प्रोड्यूस करता है? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। सॉरी पहले मुझे अमोनिया लिखना चाहिए। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 रिएक्शन फॉर, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेचुरल गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, इसे हम मीथेन भी कहते हैं। तो यहां बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कोई भी सबस्टांस जलता है तो वो सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो यहां नेचुरल गैस किसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा? ऑक्सीजन के साथ। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेचुरल गैस का फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का H2। तो इस प्रकार आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।